लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का खाता खुल चुका है। जी हां, सूरत से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। दरअसल चुनाव मैदान में अकेले रह जाने के बाद निर्विरोध निर्वाचन उनका हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद समीकरण इस सीट पर बदले और सभी 8 निर्दलीय और छोटे दलों ने प्रत्याशियों के नाम वापस लिए। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का खाता खुल चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द हुआ तो बचे हुए अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन यानी कि अपनी उम्मीदवारी वापस ली और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। लोकसभा चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से ये अच्छी खबर सामने आई। गुजरात से अच्छी खबर इसलिए क्योंकि यहां से सीट पर पहली जीत भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की कड़ी में दर्ज कर ली है। सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। मैं पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है।